चलिए दोस्तों, आज देखते हैं स्कॉच गैम्बिट की आगे की ट्रैप। आज टोटल 4 या 5 ट्रैप में दिखाऊंगा, जिससे स्कॉच गैम्बिट कम्प्लीटली आपके फेवर में हो जाएगी। आप व्हाइट से और ब्लैक से दोनों तरीके से इसमें तैयारी कर सकते हैं। मैंने लगातार 3 वीडियो अगेंस्ट स्कॉच गैम्बिट और स्कॉच गैम्बिट के बारे में, ट्रैप्स के बारे में बताए, नॉट ओनली ओपनिंग, सिर्फ ट्रैप बता रहा हूँ, ध्यान रखिए। तो e4 e5 यहाँ पे नाइट f3 और ये स्कॉच गैम्बिट के 3 मूव्स हर एक वीडियो में आपको देखने को मिलेगी, जो मैंने तीनों वीडियो बनाए हैं। लगातार कंटिन्यूस तीनों वीडियो देख लीजिए, पूरा स्कॉच गैम्बिट आपके हाथ में आ जाएगा। तो यहाँ पे नाइट इनटू d5 वाला वेरिएशन हम देख रहे हैं, और यहाँ पे bc5 में 3 और ट्रैप्स है, देखते हैं यहाँ पे कैसे। bc5 नाइट पे अटैक, यहाँ पे हम व्हाइट से बिशप e3 करके सपोर्ट देंगे, और यहाँ पे क्वीन f6 c3 एंड g7 नाइट d2, ये ट्रैप हमने देख ली। नाइट टेक्स d4 e5 क्वीन टेक्स e5 c2 d4 बिशप टेक्स d4 एंड नाइट c5। दोस्तों ये ट्रैप हमने देख ली, अब दूसरी ट्रैप में आपको बताऊंगा, थोड़ा सा वेरिएशन चेंज है। bc5 के बदले इंस्टेड ऑफ bc5 नाइट d4 के बाद ब्लैक नाइट f6 अगर खेल रहा है तो यहाँ पे आपको खेलना है बिशप g5 बिशप e7 नाइट f5 नाइट g7 थ्रेट। ब्लैक d5 अगर खेल रहा है, ई टेक्स d5 बिशप टेक्स सॉरी नाइट टेक्स e5 नाइट टेक्स e5 में नाइट क्रॉस e7 क्वीन क्रॉस e7 विथ चेक आफ्टर बिशप e3 नाइट टेक्स e3 एफ क्रॉस e3 और क्वीन क्रॉस e3। अब ये कंप्लीटली ब्लैक के फेवर में गेम होती है। चलिए नेक्स्ट ट्रैप देखते हैं। स्कॉच गैम्बिट की सारी ट्रैप्स आपको तीनों वीडियो में मिल जाएगी, ध्यान से देखिएगा। e4 e5 नाइट f3 एंड c6 d4 ई टेक्स d4 देन नाइट टेक्स d4 ब्लैक प्लेट नाइट f6 यहाँ पे आप नाइट c3 बिशप b4 पिनिंग दिस नाइट एंड नाइट e4 की थ्रेट है। यहाँ पे नाइट इनटू c6 बी क्रॉस c6 बिशप d3 ब्लैक कैसल वाइट कैसल d5 e5 नाइट g4 f4। चलिए यहाँ पे क्वीन h4 क्वीन टेक्स h2 चेकमेट की थ्रेट h3 bc5 चेक किंग h1 ओनली ऑप्शन है। क्वीन g3 आफ्टर पॉन टेक्स नाइट क्वीन h4 चेक। तो ये ब्लैक की ओर से लास्ट में दो जो मैं बताई, दोनों ट्रैप ब्लैक की साइड में है। अब मैं आपको अपनी गेम दिखाता हूँ, चलिए यहाँ पे हम गेम शो करेंगे। दोस्तों ये जो मेरी गेम है 2300 रेटेड के अगेंस्ट मैंने खेली थी, और इस टाइम मेरा रेटिंग नियरली 2199 था। आपको रेटिंग दिखा देता हूँ। हाँ, इस गेम में 2301 को मैंने बहुत ही जबरदस्त बीट किया था, इसलिए ये गेम खास आपको दिखाता हूँ। मेरी फेवरेट लाइन थी कोले सिस्टम नाइट f3 नाइट f6 e3 और g6।
अब देखो ये जो स्ट्रक्चर है दोस्तों, किंग्स इंडियन का स्ट्रक्चर है, लेकिन किंग्स इंडियन में अगर कोई ब्लैक प्लेयर G6 खेलता है तो उसका D5 रॉन्ग होता है। एक्चुअली में इस लाइन में D6 जरूरी है ब्लैक को, लेकिन D5 यहाँ पे वीकनेस है, वो बाद में आपको पता चलेगा। अब G6 के सामने बिशप D3, BG7, B3 और मैं प्रॉपर कोले सिस्टम खेल रहा हूँ। दोनों बिशप हमारे किंग साइड अटैक कर रहा है और ये स्ट्रक्चर बिशप G4 और यहाँ पे नाइट D2, C6 कैसलिंग, Nbd7 और क्वीन C1। अब देखो क्वीन C1 आइडिया क्या है, नाइट E5 करने का, क्योंकि नेक्स्ट मूव ब्लैक ने C6 किया तो ऑब्वियस वो क्वीन C7 खेलने वाला है, तो पहले से क्वीन हटा लेना है ताकि हम नाइट E5 खेल सके। क्वीन C7 और यहाँ पे हमारा नाइट E5, नाइट टेक्स E5, ये थोड़ी गलत मूव है ब्लैक की। पॉन टेक्स देन नाइट D7। अब देखिए नाइट से ये पॉन पे अटैक है, क्वीन का अटैक है, बिशप का अटैक है, ओनली वन सपोर्ट है, लेकिन F4 के बाद बहुत ही मजबूत पोजीशन हो जाती है। यहाँ पे ब्लैक ने F6 किया हमारी फाइल ओपन करने के लिए। अब मुझे यहाँ पे कैप्चर करना जरूरी है, लेकिन पहले H3, बिशप E6, उसके बाद पॉन टेक्स पॉन। ब्लैक प्लेड बिशप टेक्स और यहाँ पे बिशप ऑलरेडी सपोर्टेड है क्वीन से, तो सिंपल नाइट F3। अब ब्लैक चाहे तो इसे मार सकता है, लेकिन उसने कैप्चर नहीं किया। नाइट C5 से काउंटर अटैक किया है बिशप पे, नाइट E5। अब यहाँ पे बिशप टेक्स नाइट, बिशप टेक्स और क्वीन D7। इस पोजीशन में क्वीन बिशप टेक्स H3 कभी भी आ सकता है, इसलिए मैंने क्वीन D1 किया ताकि हम डिफेंस में जल्दी आ जाए। बिशप F5 और यहाँ पे क्वीन E2, एक वेटिंग मूव किया है सिंपल, और आइडिया है रुक D1। रुक D1 का प्लानिंग है हमारा। ब्लैक ने खेला है H5, यहाँ पे रुक AD1 और क्वीन E6। अब यहाँ बिशप टेक्स बिशप, क्वीन टेक बिशप, देन C5। नेक्स्ट मूव में नाइट D4। दोस्तों ये मूव बहुत ही सोचने लायक है। यहाँ पे मैंने सोचा है नाइट G3 फॉर्क अलाउ करूँ कि नहीं करूँ। मैंने बहुत सोच के फॉर्क अलाउ किया, पॉन टेक्स पॉन किया, ब्लैक ने नाइट G3 किया और उसके बाद क्वीन C4। यहाँ पे डिस्कवर की थ्रेट है। अब यहाँ पे ब्लैक ने रिप्लाई दिया पॉन टेक्स पॉन, क्योंकि लॉन्ग कैलकुलेशन था आफ्टर नाइट F1 पॉन टेक्स पॉन और उसके बाद डिस्कवर चेक करता, फिर और पॉन टेक्स पॉन और हमें नाइट भी मिल रहा है, दो पॉन कॉम्पेंसेशन है। क्वीन टेक्स पॉन चेक, क्वीन D7। अब ये ब्लैक की मिस्टेक है, क्वीन टेक्स और रुक E1 सिंपल पॉन प्लस हो जाते हैं, वन पॉन प्लस और इसके बाद E4, रुक 7th पे, रुक से सपोर्ट, बिशप टेक्स और गेम को कम्प्लीटली सिंप्लीफाई कर दिया और यहाँ पे पॉन प्लस में इजी विनिंग मिल गई है। अब देखो यहाँ पे एक पॉन अप है और किंग पॉन एंडिंग में आप जानते हो कि एक पॉन अप में आसानी से गेम विनिंग होती है और यहाँ पे ब्लैक ने रिजाइन कर दिया। तो ये थी गेम कोले सिस्टम। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको और भी बहुत सारी गेम दिखाऊंगा और अलग ट्रैप, स्कॉच गैम्बिट की पूरी ट्रैप्स यहाँ खत्म होती है। नेक्स्ट वीडियो में आपको अलग ओपनिंग की ट्रैप्स देखने को मिलेगी, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, बहुत ही मजा आएगा इस चैनल में। और वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर कीजिए, कमेंट बॉक्स में कमेंट भी कीजिए दोस्तों, बहुत मजा आएगा। जल्दी मिलेंगे, जय हिंद, जय गुजरात।